हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं और हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ऑफ इंडियन रसोई। आज हम एगलेस ब्रूकीज बनाएंगे। ये बेसिकली ब्राउनी टाइप कुकीज़ है। ये बहुत ही सॉफ्ट और च्यूई बनती है और बहुत ही रिच कुकीज़ है। ये बहुत टेस्टी लगती है और ये बच्चों का तो फेवरेट है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत जल्दी तैयार होती है। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। तो मैंने छन्नी में आधा कप मैदा लिया है। इसमें 1/4 कप कोको पाउडर डालेंगे, ये अनस्वीटेंड है। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और एक बार चम्मच से सब कुछ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/3 कप कैस्टर शुगर डालेंगे और इसमें 1/4 कप रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ सॉल्टेड बटर डालेंगे। ये 45 ग्राम्स जितना बटर है। और अगर आपके पास सॉल्टेड बटर नहीं हो तो आप वाइट बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में 1/8 छोटी चम्मच जितना नमक डालना है। और सब कुछ हम पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हाथों का यूज़ हम कम करेंगे ताकि कुकीज़ हमारी सॉफ्ट और च्यूई बने, हार्ड ना हो जाए। तो इसे एकदम हल्के हाथों से ही हैंडल करना है। और फिर दूध का यूज़ करके हम इसका एक सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और फिर से ध्यान रखना है कि कुकी डो को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से ही सिर्फ मिक्स करना है। और मैंने यहाँ पे 2 से 3 छोटी चम्मच जितने दूध का यूज़ किया है। और इन कुकीज़ को ब्राउनीज जैसा टेक्सचर देने के लिए हम इसमें 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ डार्क चॉकलेट डालेंगे। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। और एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब इस ब्रूकीज़ के डो को हम ढक के फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि जो बटर है वो थोड़ा सेट हो जाए और हमारे कुकीज़ एकदम फैल ना जाए बेक करते वक्त। 1/2 घंटा हो गया है और डो भी काफ़ी सेट हो गया है। अब हम इसमें से बॉल्स बनाएंगे। आप इसमें से नींबू के साइज़ के बॉल्स बनाइए। लगभग 10 से 12 बॉल्स बनेंगे। और इन तैयार बॉल्स को हम सीधा रखते जाएंगे बेकिंग ट्रे पे, जिस पे मैंने पार्शमेंट पेपर रखा है। आप चाहे तो एल्यूमिनियम फॉइल भी रख सकते हैं। और इन बॉल्स को लगभग 1 से 2 इंच के डिस्टेंस पे रखना है क्योंकि बेक करते वक्त ये कुकीज़ फैलेंगी। और फाइनली कुकीज़ को हम ऊपर से चॉकलेट चिप से गार्निश करेंगे। लगभग मैंने 1 से 2 बड़े चम्मच जितने चॉकलेट चिप्स लिए हैं। ब्राउनी कुकीज़ को हम प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमें ये कुकीज़ हार्ड नहीं चाहिए, हमें च्यूई और ब्राउनी टाइप चाहिए। तो हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही बेक करेंगे। 10 मिनट हो गया है और मेरे ब्रूकीज़ बेक होके तैयार है। ब्रूकीज़ को बेकिंग ट्रे पे ही 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। और ये ब्रूकीज ठंडी हो गई है। चलिए इन्हें चेक करते हैं। आप देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है और काफ़ी च्यूई है। और आप इसे खाएंगे तो ये एकदम ब्राउनी जैसा टेस्ट करती है। इन ब्रूकीज को आप एयरटाइट कंटेनर में भर के लगभग 3-4 दिन के लिए रख सकते हैं। और आप चाहे तो इसे हल्का सा वार्म करके इसे आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।